जय जुहार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब मित्रों। भारतीय संस्कृति का गहरा नाता हमारे गांव से होकर गुजरता है और इसे करीब से जानने के लिए आपको गांव तक तो अवश्य आना ही होगा। पर दोस्तों चिंता बिल्कुल भी ना करें, अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे इस चैनल का उपयोग अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय के अनुसार इस चैनल की सारी विषय वस्तु वीडियो के माध्यम से लगातार आपको मिलती रहे। दोस्तों शुभ कार्य हेतु हमारी परंपरा रही है कि हम अपने आराध्य देवी देवताओं की विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके मंगल कामना हेतु आशीर्वाद लेने का कार्य करते हैं ताकि हमारा लक्ष्य यानी ध्येय सफल हो। आज की इस वीडियो भी उसी ओर इशारा करती है। छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग में रह रहे तामो समाज भी धान के बीज की बुआई की प्रक्रिया से पहले अपने आराध्य देवों की परंपरागत तरीके से पूजा पाठ करते हैं और आग्रह करते हैं कि आगामी फसल उनकी अच्छी हो ताकि परिवार और समाज में खुशहाली सदैव बनी रहे। इस पूजन व्यवस्था में सामूहिक भोज, नाच गान और मेले का एक विशेष महत्व है। यह पूरी प्रक्रिया 3 दिनों तक चलती है। परंपरा के तहत पूरा समाज अपने गांव में एक विशिष्ट स्थान का चयन करते हैं जहां संध्या को एकजुट होकर भोजन बनाकर उसका निर्वाहन अपने आराध्य देवी देवताओं को ध्यान में रखकर पूर्ण करते हैं। दूसरे दिन की सुबह अपने समाज के देवों को चिन्हित स्थान में विराजमान करने से पहले रीति के अनुसार अपने कांधे और दोनों हाथों से लेकर उनकी स्तुति करते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच नाचते गाते हुए गोल गोल उस देव स्थान का परिक्रमा करते हैं और बाकी लोग समूह में नाचते हैं जिसे कि आप इस वीडियो में भली भांति देख सकते हैं। दोपहर के पश्चात मेले का आयोजन प्रारंभ होता है और पूरा दिन यह चलता है। इसमें पूरे गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यह भी आप वीडियो में देख सकते हैं। शाम के पश्चात देवों को विराजमान वाले स्थान में चावल के चूर्ण से घेरा कर दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसके पश्चात वहाँ किसी के भी जाने की अनुमति नहीं होती है। अंत में तीसरे दिन सुबह वापस परंपरागत तरीके से पूजन कर देवों को उस स्थान से वापस विदाई कर दी जाती है और उनके अपने वास्तविक स्थान तक पहुँचा दिया जाता है। मित्रों तामो समाज इन्हें 12 मंडा के देव कहते हैं, अर्थात इनके 12 गोत्र के देव एक साथ इसमें सम्मिलित होते हैं। इसे ओरंगल मंडा भी कहते हैं। ऐसा स्थानीय लोगों से और उस समाज के बुजुर्गों से बात करने के दौरान जानकारी मिलती है। मित्रों यहाँ एक और मान्यता है, जब तक यह रस्म की पालन कोई एक गांव नहीं करता है तो उस विशेष गांव में लड़की ब्याही भी नहीं जाती है। तो देखकर और सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना कि आज भी वनांचल क्षेत्रों में ऐसी संस्कृति जो सदियों पुरानी है वो आज भी जिंदा है और वह अपने तरीके से इसका निर्वाहन आज भी करते नज़र आते हैं। तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर अवश्य डालिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो एक निरंतर प्रक्रिया के तहत मैं आप सभी के समक्ष रखूं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक।
बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।